हे देखो कंटेनर्स, दिस इज और अगले चार। आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं पोकेमोन यूनाइट्स की एक और नई अपडेट वीडियो में। और भाई लोग, पोकेमोन यूनाइट्स से रिलेटेड एक बहुत तगड़ी अपडेट आ चुकी है और इस अपडेट में हम लोग बात करेंगे कि पोकेमोन यूनाइट और NFS का बहुत तगड़ा कोलैब हो चुका है और इस कोलैब में क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है। प्लस इसी के साथ NFS मोबाइल कब रिलीज होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एक और अपडेट से जो कि कुछ रिवॉर्ड से रिलेटेड है जो कि हमारे गेम में अभी अनलॉक हुए हैं, तो उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी के साथ लास्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है जो कि मैं आप लोग से पूछना चाह रहा था, तो वो भी आप लोग मुझे वीडियो के एंड में बता सकते हो। तो वीडियो का मज़ा रहने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त के। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग कुछ रिवॉर्ड्स की बात करें तो हमारे गेम में कुछ नए स्नैपशॉट के बैकग्राउंड्स प्लस फ्रेम्स आ चुके हैं और इसी के साथ कुछ नए स्टिकर्स अभी ऐड होने वाले हैं जो कि इस बार के हैलोवीन अपडेट के बारे में होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड होने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये सारे बैकग्राउंड्स रहने वाले हैं, उसके बाद कुछ फ्रेम्स को ऐड किया जाएगा और लास्ट में यहाँ पे कुछ स्टिकर्स ऐड होने वाले हैं जिसमें हैलोवीन से रिलेटेड दो स्टिकर है और प्लस यहाँ पे एक ज़ैप्डोस का स्टिकर भी है। तो इसके बाद चाइना वर्जन से रिलेटेड एक लीक चाहिए जिसमें हम लोग चाइना वर्जन का न्यू कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया गया है और यहाँ पे आप लोग कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट आर्ट देख सकते हो। उसके बाद हमारे जोरोवा का होलो वेयर है उसका कॉन्सेप्ट आर्ट देख सकते हो। प्लस यहाँ पे गोल करने वाले पोकेबॉल का भी कुछ नया डिज़ाइन पोकेबॉल ने चाइना वर्जन में। उसके बाद यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स रह गए यहाँ पे, तो चाइना वर्जन में कैरेक्टर का स्टैंडिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग रहने वाला है नॉर्मल हमारे ऑफिशियल वर्जन से। लास्ट में यहाँ पे चाइना वर्जन का लॉबी शो किया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लुकारियो के साथ अपना कैरेक्टर खड़ा है और इस टाइप का कुछ चाइना वर्जन का लॉबी देने वाला है। प्लस यहाँ पे कुछ चैट ग्रुप टाइप का है और ये अपनी लोडिंग चीज देने वाली है पोकेमोन यूनाइट चाइना वर्जन में। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देखने आए हो कि पोकेमोन यूनाइट का नीड फॉर स्पीड मोबाइल चाइना से कोलैब हो चुका है और इसमें प्लेयर्स को काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं नीड फॉर स्पीड मोबाइल के चाइना वर्जन में अगर वो लोग पोकेमोन यूनाइट के चाइना वर्जन को प्री रजिस्टर कर रखे होंगे जो कि नवंबर 7th को आने वाला है। तो ये सिर्फ चाइना वर्जन वालों के लिए अपडेट है, ये मतलब ग्लोबली लॉन्च अपडेट नहीं है। तो जितने लोग भी चाइना में हैं उन लोगों के लिए ये अपडेट रहने वाला है कि जो भी चाइना वर्जन का प्री रजिस्टर करके रखेगा उन लोगों को नीड फॉर स्पीड मोबाइल के चाइना वर्जन में कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो यही थी इसकी अपडेट। नेक्स्ट हम लोग NFS मोबाइल से रिलेटेड अपडेट की बात करें तो यहाँ पे NFS मोबाइल ने हमें बताया कि गरीना एक हफ्ते के अंदर NFS मोबाइल को लॉन्च करने वाला है और साथ ही ये ऑफिशियल वर्जन है जो कि ग्लोबली चलने वाला है। तो आप लोग बताओ, आप लोग में से कितने लोगों ने नीड फॉर स्पीड वाले गेम्स खेले हैं। और अपडेट्स की बात करें तो बस ये तक आज की अपडेट। काफ़ी तगड़ा कोलैब है, अगर ये ग्लोबली रहता तो और तगड़ा रहता। और आप लोग बताओ, आप लोग का क्या ओपिनियन है इस अपडेट के बारे में। तो लास्ट में जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना है उसके बारे में बात करें, तो भाई लोग चैनल पे आप लोग बताओ कि क्या मैं इस टाइप के अपडेट्स लेके आऊँ जो कि अनदर गेम्स के बारे में हो और जो कि अभी राइट नाउ बहुत तगड़े चल रहे हैं उस टाइप के अपडेट्स। तो आप लोग बताओ आप लोग का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्योंकि अभी बहुत सारे गेम्स में बहुत तगड़े अपडेट आए हैं जैसे कि पबजी तक भी कोई कोलैब हुआ है हाल फिलहाल में। उसके अलावा फ्री फायर का भी एक दिवाली से रिलेटेड अपडेट चल रहा है। तो आप लोग बताओ आप लोग का इसके बारे में क्या ओपिनियन है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोग को बताऊँ कि नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।